कुछ लोग सुरक्षा के लिहाज से कुछ शौक से अपने पास रिवाल्वर रखना चाहते हैं। अगर आपकी भी इच्छा है अपने पास बंदूक या रिवाल्वर रखने की, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप कानूनी तरीके से हथियार खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बंदूक रखने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि बिना लाइसेंस हथियार रखना गैरकानूनी है। तो आइए जानते हैं बंदूक या हथियार के लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें। लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है। वैसे तो आपको अपनी पहचान, आपका पता और अपना फिटनेस प्रूफ तो देना ही होता है, लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बताना होगा कि आप कौन सी बंदूक लेना चाहते हैं। इसके अलावा आपको दो पासपोर्ट साइज की फोटो भी देनी होती है। ये फॉर्म आपको आपके जिला पुलिस कार्यालय में मिल जाएगा। फिर उस पर ₹5 की कोर्ट फीस स्टैंप लगाकर अप्लाई करना पड़ता है। यह फॉर्म आपको बहुत आसानी से आपकी स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर मिल सकता है। फॉर्म को पूरी और अच्छी तरह से भरने के बाद आपको आपके क्षेत्र के लाइसेंस बनाने वाले कार्यालय में जमा करवाना होता है, जो कि आपकी क्षेत्र के डीएम या डीपी कमिश्नर या पुलिस कमिश्नर के तहत आता है, जहां से आपको हथियारों के लाइसेंस मिलते हैं। फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई हो जाने पर पुलिस अधिकारी आपको एक रसीद देगा और फिर आपके स्थानीय थाने में आपका आपराधिक रिकॉर्ड चेक करेगा। फिर थाने से आपकी रिपोर्ट लाइसेंस बनाने वाले अधिकारी के पास भेज दी जाएगी। सभी तरह की जानकारी और सभी तरह की जांच पड़ताल के बाद लाइसेंस अधिकारी या तो आपके लाइसेंस को मंजूरी दे देगा, या वो चाहे तो उसे फिर खारिज भी कर सकता है। अब सवाल आता है, लाइसेंस कितने दिन में बन जाता है? गृहमंत्री के कार्यालय में जो आंकड़े दर्शाए गए हैं, उनके अनुसार लाइसेंस मिलने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि यह कितने दिन में मिल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस बनवाने का काम थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें आपकी पूरी वेरिफिकेशन की जाती है, जैसे आपकी बॉडी फिटनेस, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका रिकॉर्ड, यह सब चीज़ें देखने के बाद आपका लाइसेंस जारी किया जाता है, इसलिए इसमें समय थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन जिन लोगों को लाइसेंस प्राप्त हो चुका है, उनके अनुसार अगर हम बताएं तो लगभग आपको एक महीने के अंदर ही आपका लाइसेंस मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को लाइसेंस मिलने में एक साल तक भी लग जाता है। और यह सभी बातें आपके सभी कागज और आपकी जानकारी के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि हमने आपको बताया, आपकी सभी जानकारी को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको आपका लाइसेंस जारी किया जाता है, और कभी कभी यह खारिज भी किया जा सकता है, और कुछ लालची अधिकारी रिश्वत पाने के लिए भी आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर देते हैं। ऐसे में जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि उन्हें रिश्वत खिलाकर अपना काम करवाने से अच्छा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार ब्यूरो में शिकायत दर्ज करवाए। दोस्तों, लाइसेंस बनने के बाद आप उसे एक लाइसेंस पर ज्यादा से ज्यादा 3 गन रख सकते हैं। हालांकि ये 3 बंदूकें कौन सी होंगी, यह अभी तय नहीं है। आप इन 3 बंदूकों में से कोई सी भी 3 बंदूक रख सकते हैं, फिर वो चाहे 3 हैंडगन हो या 2 हैंडगन और 1 शॉटगन। दोस्तों, आपको बता दें, शुरू में आपको लाइसेंस सिर्फ आपके राज्य के लिए मिलता है, मतलब आप अपनी बंदूक को सिर्फ अपने राज्य में ले जा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो थोड़े समय बाद आर्म्स रूल 1962 के रूल 53 के तहत आप इसे पूरे देश के लिए भी बढ़वा सकते हैं और पूरे देश में अपना हथियार लेकर कहीं भी और जा सकते हैं। इस तरह देश का कोई भी आम नागरिक जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हुआ हो, वो लाइसेंस लेकर हथियार रख सकता है। इसके अलावा आपको कुछ और जानना हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।